एक तरफ बिहार सरकार का नारा है कि सब पढ़े और सब बढ़े, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को देखकर ये कतई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसे माहौल में कभी शिक्षा का स्तर सुधर भी सकता है। कुछ यही हालत है खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के पिरगरना गांव के मध्य विद्यालय शिशवावासा का। बेलदौरे प्रखंड से महज चंद किलोमीटर दूर फासले पर स्थित मध्य विद्यालय शिशवावासा के शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है। वहीं विद्यालय में तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापक और एक शिक्षिका की तो बात ही निराली है। जब हमारी टीम इस विद्यालय पहुंची तो बच्चों से कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल किए तो बच्चे चुप्पी साधे नजर आए। बच्चों को खुद के स्कूल का नाम तक नहीं पता था, स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम ही नहीं पता था। इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य करुणा कुमारी को ये नहीं पता कि जिला के शिक्षा अधिकारी का नाम क्या है। जिसे ये नहीं पता कि जिला शिक्षा अधिकारी का नाम क्या है, वो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर तो शुरू से ही सवाल उठते आ रहे हैं। प्रदेश में सरकारें आई चली गईं, सबने बहुत प्रयास किए कि शिक्षा का स्तर सुधरे, पर इसकी ज़मीनी हकीकत तो यही है कि आज भी हमारे प्रदेश में वही सालों पुराना शिक्षा का स्तर है। अब ज़रूरत है सरकार को ये सोचने की कि जो कदम उठाए हैं उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में क्या किया जाए। चलो छोड़ो, विद्यालय का नाम बोलो। अरे विद्यालय का ही नाम बोलो, कौन सा विद्यालय है ये बताओ। स्कूल का नाम बोलो ना, तुम लोग स्कूल का नाम भी बता नहीं सकते। चलो तुम लोग इसको जानती हो, डरो मत, हम सवाल कोई बड़ा नहीं कर रहे हैं। तुम लोग का स्कूल जो है, स्कूल का नाम बोलो। क्या नाम है स्कूल का? नाम है स्कूल का, इस विद्यालय में जिसमें तुम पढ़ते हो, उप मुख्यमंत्री कौन है? कुमार, ये कौन सा विद्यालय है? ये मध्य विद्यालय शिशवावासा। आप जिस विद्यालय में अभी पढ़ा रहे हैं, इसका एचएम कौन है? एचएम अरुण कुमार। अरुण कुमार, ये कौन सा क्लास है? फोर फाइव है। आपसे एक सवाल है मैडम कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है? आप यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षा पदाधिकारी? हाँ। मेरा बाल बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, क्यों? मेरा बाल बच्चा को पढ़ा नहीं सकता, वो अपना कुछ जानकारी है ही नहीं, मेरी बच्ची को क्या पढ़ाएगा? ये लेकर के उनको तो बड़ा बस्ता बनवा कर ऐसे ऐसे बिना ट्रेनिंग किया हुआ को जो सरकार ज्वाइनिंग करवाए हैं पढ़ाने के लिए, बाल बच्चे को कुछ अपना जानकारी है ही नहीं, पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन उसको स्टाफ निगलेक्ट कर।